दोस्तों आप बिग बॉस ओटीटी फेम राकेश बापट को तो जानते ही होंगे, जहां बिग बॉस ओटीटी के दौरान ही ये शमिता शेट्टी के साथ रिलेशनशिप को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर चुके हैं। बता दें, रिद्धि डोगरा से तलाक लेने के बाद राकेश अपने होम टाउन पुणे में बस गए थे, पर काम की वजह से राकेश बापट अक्सर मुंबई के चक्कर लगाते हैं और शमिता शेट्टी से ब्रेकअप के बाद राकेश बापट वापस अपने घर चले गए हैं, जो अब मुंबई नगरिया से पूरी तरह ऊब चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, राकेश बापट वो पहले एक्टर नहीं हैं जिन्होंने मुंबई नगरी को अलविदा कहा है, बल्कि और भी ऐसे कलाकार हैं जो मुंबई से अलविदा कह चुके हैं। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उन्हीं सितारों से रूबरू कराने वाले हैं जिन्होंने अपनी अपनी वजह से मुंबई नगरिया को अलविदा कह दिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। नंबर एक, रुचा हसबनीस। साथ निभाना साथिया में नजर आ चुकी नटखट राशि यानी अभिनेत्री रुचा हसबनीस, जिनका राशि वाला किरदार दर्शकों को बेहद पसंद आया था, जिसके लिए दर्शक इन्हें आज भी याद करते हैं। बता दें कि रुचा हसबनीस टीवी की दुनिया से गायब हो चुकी हैं। शादी के बाद रुचा हसबनीस ने भी मुंबई छोड़ दी और आज वो अपनी फैमिली के साथ बेहद खुश हैं। नंबर दो, अनस राशिद। साल 2016 में स्टार प्लस के सीरियल दिया और बाती हम में सूरज का किरदार निभाकर आज पूरी टीवी इंडस्ट्री में मशहूर होने वाले अभिनेता अनस राशिद भी आज एक्टिंग की दुनिया से काफी दूर हैं, जिन्हें आखिरी बार दिया और बाती हम में ही देखा गया था। बता दें कि ये भी पैंडेमिक के दौरान अपनी पूरी फैमिली के साथ मुंबई को छोड़कर अपने घर मरेल कोटरा चले गए थे और आज भी ये अपने गृह नगर में ही रह रहे हैं। नंबर तीन, मोहिना कुमारी सिंह। ये रिश्ता क्या कहलाता है में कीर्ति का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री मोहिना कुमारी सिंह मुंबई से उत्तराखंड में शिफ्ट हो चुकी हैं और इनके मुंबई छोड़ने की सबसे बड़ी वजह इनकी शादी है। जी हाँ, शादी के बाद मोहिना कुमारी सिंह ने अपने ससुराल को ही अपनी दुनिया बना लिया है। नंबर चार, श्वेता सालवे। हिप हिप हुर्रे और लेफ्ट राइट लेफ्ट जैसे सीरियल में नजर आने के साथ साथ अपनी बोल्डनेस के लिए मशहूर अदाकारा श्वेता सालवे भी मुंबई को हमेशा के लिए अलविदा कह चुकी हैं। कुछ समय पहले ही श्वेता सालवे गोवा शिफ्ट हुई हैं, जिसकी वजह इनके कुछ अपने पर्सनल रीजंस थे। नंबर पांच, संग्राम सिंह। इंडियन रेसलर संग्राम सिंह भी मुंबई से बोर हो गए। आखिरकार संग्राम सिंह ने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। फिलहाल संग्राम सिंह नॉर्वे की खूबसूरत वादियों में जिंदगी बिता रहे हैं। कुछ समय पहले ही संग्राम सिंह ने पायल रोहतगी से शादी की है, जिनके साथ ये बेहद खुश हैं। नंबर छह, नारायण शास्त्री। एक्टर और मॉडल नारायण शास्त्री मुंबई से गोवा शिफ्ट हो चुकी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नारायण शास्त्री ने मुंबई के ट्रैफिक से परेशान होकर और अपने हस्बैंड की वजह से ये फैसला किया था। हालांकि नारायण शास्त्री मुंबई की ही रहने वाली हैं। नंबर सात, अमित सरीन। कुसुम और पवित्र रिश्ता जैसे सीरियल में नजर आने वाले अभिनेता अमित सरीन ने भी सालों पहले मुंबई को छोड़ दिया था अपनी पत्नी के हॉलीवुड प्रोजेक्ट की वजह से। अमित सरीन ने माया नगरी मुंबई को ठोकर मार दी थी। अमित सरीन को आज भी अपने फैसले पर पछतावा नहीं है। नंबर आठ, सौम्या सेठ। लिस्ट की आखिरी घड़ी में नाम शुमार है टीवी एक्टर सौम्या सेठ का, जिन्होंने सीरियल नव्या में काम करने के बाद शादी कर ली थी और शादी के बाद सौम्या सेठ यूएस शिफ्ट हो गई थी। हालांकि तलाक के बाद सौम्या सेठ इंडिया वापस आ चुकी हैं। वेल दोस्तों, आप मुंबई छोड़ने वाले इन सितारों के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।